गुड मॉर्निंग बहनों और उनके भाइयों। आपको मेरी शक्ल देख के तो लग ही रहा होगा कि मैं अभी उठी हूँ, क्योंकि कितनी सूझ रही है। मैंने आपको अपने हर व्लॉग में बोला है कि आज मैं यहाँ जा रही हूँ इसलिए व्लॉग कर रही हूँ, आज ये होने वाला है इसलिए व्लॉग कर रही हूँ, आज शूट है, आज पोर्टफोलियो है, या हम दिल्ली जा रहे हैं, या मार्केट जा रहे हैं, ये। लेकिन इस व्लॉग में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये एक नॉर्मल व्लॉग है। मैंने सोचा कि मैं ऐसे आज स्टार्ट करती हूँ, कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कहीं जाना है या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे आप सब लोगों को के साथ शेयर करनी है या कोई शूट वगैरह है जो दिखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ये वीडियो छोड़ के चले जाओ, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना, देखोगे ना। हाँ गुड, लास्ट तक देखना। क्या पता इस ब्लॉग में लास्ट तक या बीच में या कभी भी कुछ भी इंटरेस्टिंग हो जाए, क्या पता, हो सकता है ना, तो आप इस वीडियो में बने रहना। तो गाइज मैं उठ तो गई हूँ, लेकिन अभी मैं जस्ट अपनी कॉफ़ी रख कर आई हूँ, ब्लैक कॉफ़ी रख कर आई हूँ, वो पीऊँगी, उसके बाद मैं वर्कआउट करूँगी। तो गाइज मैं अपनी कॉफ़ी ले आई हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ, उसके बाद मैं वर्कआउट करूँगी। बता चुकी हूँ ना, कितनी बार बताऊँगी। आप लोगों को पता है मैंने सुबह सुबह एक सपना देखा, सपना, और हैरानी की बात यह है कि मुझे सपना याद है, वरना मैं सपने भूल जाती हूँ, मतलब ज़्यादातर भूल जाती हूँ। तो सुबह क्या हुआ, मैं उठी, मैं सब मतलब मैं जब उठी मेरी आँख खुली तो इस सपने के साथ खुली कि मैं सपना देख रही हूँ जो मेरा मतलब आईफोन 11 है वो ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, उसमें कुछ हो गया है, वो चल नहीं रहा है। तो मैं उसको लेके जाती हूँ, मतलब जहाँ से मैंने ख़रीदा होता है, पहले ही वाले जो फ़ोन मैंने जहाँ से ख़रीदा है मैं वहाँ पर जाती हूँ, उन लोगों से बोलती हूँ कि भैया मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है और इसको सही करके दे दो। तो वो मुझसे उल्टा सॉरी बोलते हैं, पता नहीं क्यों, वो कहते हैं कि सॉरी मैम, और क्या कहते हैं, आपका फ़ोन तो सही नहीं हो सकता, लेकिन इसके बदले में आप आईफोन 13 ले जाओ। तो फिर मैंने उनसे बोला कि फिर मैं मतलब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मतलब मैं इसके लिए पैसे नहीं लाई, मैं 13 कैसे ले लूँ, मेरे पास 11 था। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको इसके पैसे नहीं देने हैं, आपको सिर्फ फ़ोन लेना है, अपना फ़ोन छोड़ना है, अपना फ़ोन आपने लेके नहीं जाना, अपना फ़ोन आप यहीं छोड़ जाओ, और क्या कहते हैं, आप हमसे आईफोन 13 ले जाओ फ्री में। और मैं फ़ोन घर पर ले आई, खूब उससे व्लॉग बना रही हूँ, खूब वीडियोज़ बना रही हूँ, खूब इन्जॉय कर रही हूँ और सबको दिखा रही हूँ, तो नहीं क्या सपने। तो गाइस मैं जा रही हूँ अभी वर्कआउट करने, आप सबसे मिलूंगी वर्कआउट के बाद। सो गाइस अभी जस्ट वर्कआउट खत्म हुआ है मेरा, तो मतलब आज जल्दी जल्दी करना पड़ा, बहुत जल्दी वर्कआउट करा, वो इसलिए क्योंकि मेरे को जाना है, जो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था ना, मेरा शूट जो हो रहा था एल्बम सॉन्ग के लिए, तो उसको आज जब सब लोग देख रहे थे बैठ के एडिटिंग के लिए, जब वो फाइनली जा रहा था, तो उसमें कुछ क्लिप्स ऐसी थी जो नहीं अच्छी आ रही थी, फेस पे एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे थे, और मतलब कहीं मेकअप भी ठीक सा नहीं लग रहा था कुछ कुछ सीन में। तो हुआ ये, मतलब ये डिसाइड हुआ है कि उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स है, कुछ सीन ऐसे हैं जो रीशूट करने पड़ेंगे, जो डांस के स्टेप्स हैं वो प्रॉपर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, मैं जल्दी जल्दी में गई थी। तो आज उसकी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम रीशूट कर लेंगे, 2-3 सीन्स हैं उसको दोबारा रीशूट कर लेंगे, तो आज आप उसकी प्रैक्टिस के लिए आ जाओ। तो मुझे 2 बजे उन्होंने बुलाया है, 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, उन्होंने बोला कि आप 2 बजे आ जाओ, आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, कल हम शूट कर लेंगे। तो कल उसका थोड़ा सा शूट होगा और आज उसकी प्रैक्टिस के लिए उन लोगों ने मेरे को बुलाया, तो मैं वहाँ जाऊँगी 2 बजे। जल्दी से अपना मील ले लेती हूँ, उसके बाद नहाना भी है, फिर निकलना है। सो गाइज मैं नहा ली और तैयार हो गई हूँ जाने के लिए, उन्होंने मुझे 2 बजे बुलाया था, 2:15 अभी से घर पे ही मेरे को हो गए, तो मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। पर आज जो रेल बनी है ना मेरी, सही में बहुत गंदी रेल बनी, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि प्रैक्टिस में 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 2.5 घंटा भी लग सकता है। तो और 3 बजे होता है मेरा लंच, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मैं लंच कैसे करूँगी, और करना मुझे डाइट वाले ही, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरी डाइटिंग चल रही है, तो जो डाइट चल रही है उसके अलावा अभी मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूँ, बाहर का या वैसे भी कुछ नहीं खा सकती उसके अलावा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना खाना बनाया, लंच बनाया, खुद से बनाया, और क्या कहते हैं, अब मैं बस उसको पैक कर रही हूँ, जल्दी से तैयार हुई हूँ और मैं अब फिर निकल रही हूँ। सो गाइस ये रहा मेरा खाना, इसमें ब्राउन राइस है और दाल है,
और 2 अंडे हैं, ठीक है। मैं 2 बजे गई थी और अब 6:30 बज रहे हैं। मैं अभी अभी जस्ट अभी घर आई हूँ। अब आप देख लो, अच्छा हुआ मैं अपना मील ले गई थी, वरना मैं तो चक्कर आ जाते। मम्मी स्कूल से आई, पता नहीं कितने बजे आई, और आके सो भी गई। तो मैं ज़रा चेंज कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद जब मम्मी उठेंगी, जब मैं आप लोगों को मम्मी से भी मिलवा दूँगी और जब भी मैं आप लोगों से मिलूँगी। गाइस देखो कौन आया है, ये इसको पहचाना आपने, ज़ैनब है जिसने मेरा क्या किया था, ज़ैनब मेकअप किया था, याद है? उस पर कितने सारे लाइक्स आए थे। अगर आप लोग चाहते हो कि ज़ैनब दोबारा मेकअप करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ज़ैनब हेलो बोल दो सबको। हेलो। तो गाइस मम्मा उठ गई हैं, मैं भी उठी हूँ, मम्मी भी उठी हैं अभी। हाँ तो मुलाकात हो रही है मेरे तो मेरे बेटा से। सुबह मैं स्कूल चली गई थी, आज मेरी पीटीएम थी असल में स्कूल में। अब सारे दिन तो वहाँ बिजी रहे, मैं थक गई और आकर फिर मैं सो गई। सोने के बाद मैंने देखा, नहीं आकर देखा मैंने स्कूल से, तो बेटा नहीं थी। हाँ मैं नहीं थी। हाँ, बेटा गई भी थी शूट पर। और जब मैं आई वहाँ से तो मम्मी सो रही थी। हाँ तो फिर मैं सो गई थी, अब मैं उठी हूँ। तो फिर मैं 7:30 बजे मैं उठी, मैंने देखा तो मेरे बेटा को ही मिली मुझे। तो अब चाय वाय पिए, थोड़ी सी फ्रेश हुई हूँ मैं भी, बेटा भी थोड़ी फ्रेश। तो खैर अभी नहीं लग रही है, मैं तो फ्रेश हूँ। हाँ क्योंकि अभी तो मुंह तो नहीं धोया तुमने, आंखें? मुंह नहीं धोया मैंने, ऐसी ही सो गई थी, बहुत ज्यादा थक गई थी मैं, ऐसी लेट गई थी ना, तो इसी वजह से। बस थोड़ा सा वही है ना कि शूट पर भी जाता है इंसान थक जाता है। कल भी है, आज तो बस प्रैक्टिस थी, कल शूट है। हाँ आज तो प्रैक्टिस के लिए, कल आपने बोला था ना कि प्रैक्टिस के लिए जाऊंगी, थोड़ा गाने की आपकी रह गई थी, एंडिंग रह गई थी है ना। और अब कल क्या है, कल आपका, कल फाइनल शूट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, कल फाइनल हो जाएगा। तो मतलब अब देख लो, एक ही घर में मम्मी और मैं, पर सुबह से हम मिल रहे हैं। मैं क्या करूं बेटा, मैं तो सुबह में चली जाती हूं। अब सुबह में यानी कि स्कूल का टाइम मेरा जो है वो 7:30 बजे बस आ जाती है। अब मैं चली जाती हूं, वहां से आती हूं तो फिर बेटा कभी सो जा, सोई हुई मिलती है, वैसे तो घर में मिलती है, जागी भी मिलती है। झूठ बोल रही है, पानी रोज के मेरा भूत पिलाता है, सोई भी मिलती है, रोज पानी देती हूँ, आती है तो पानी भी बेटा मुझे पिलाती है। आज नहीं मिली, पर आज बस आज नहीं मिली, आज नहीं मिली तो मुझे अजीब सा लगा ना। गाइस मैं मम्मी का चाह रही हूँ कि मम्मी अपने बाल, मम्मी बाल दिखाओ अपने सबको, थोड़ा पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। तो गाइस मम्मी की लेंथ ना बालों की इतनी है, और मम्मी के बाल कर लिए हैं क्योंकि वो मेरे भी हैं, मम्मी के भी कर लिए हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि मम्मी के बाल हम परमानेंट स्ट्रेट करा दें, क्योंकि जब मम्मी के बाल मैं घर पे भी जैसे स्ट्रेट करती हूँ ना तो बहुत अच्छा लुक आता है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि स्ट्रेट कराएं या नहीं कराएं। मुझे तो लगता है कि करा लेनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं कराने के बाद, और मम्मी ने कभी कराया भी नहीं है तो डैमेज भी नहीं होगा, लगता है ना कि डैमेज हो जाता नहीं होगा। आपने कभी कुछ नहीं कराया ना तो नहीं होगा, भी हो जाते हैं, मेरे व्हाइट भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अफवाह मत फैलाओ। मम्मी एक और बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। बात ये करनी है कि एक कोई इंसान है। कोई इंसान है? हाँ। अच्छा कौन इंसान है? मतलब पता नहीं मुझे, वो लड़की है, लड़का है, आदमी औरत है, बच्चा है, बूढ़ा जवान क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मेरी वीडियो आती है, सब्सक्राइब कर देता है। नहीं, जैसे ही मेरी वीडियो आती है उस पे व्यू बाद में आता है, उस इंसान का अनलाइक पहले आ जाता है। अनलाइक? हाँ तो वो एक बार आपने बताया था ना पहले, कौन है वो, और वो अभी भी ये वीडियो देख रहा है और उसने अब तक आधी वीडियो देखी नहीं होगी और अनलाइक कर दिया होगा। पता नहीं कौन है वो, एक बंदा जरूर ऐसा है, वो अनलाइक कर देगा, उसका व्यू बाद में आएगा कि हाँ एक व्यू वीडियो पे आ गया है, पहले अनलाइक आ जाएगा भाई। ऐसा है बेटा, देखिए ये तो जिंदगी के दो पहलू होते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब मेरे को लाइक भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, इससे तो सीख मिलती है ना, जो भी कोई कमी है उसको आप अपने उसमें पूरा करिए उसको, और उसको दूर करिए है ना। मुझे तो नहीं पड़ता फर्क। हाँ तो नहीं नहीं वो तो, ये तो लाइक ही लाइक करते रहेंगे तो लाइक भी तो होना चाहिए, उसमें भी तो मजा है और क्या, तभी सुधार तो हो सकता है, वरना तो सुधार कैसे होगा। हाँ। सब लाइक ही करते रहेंगे तो जो भी आप देखो कि भाई इसने अनलाइक क्यों किया है तो कुछ ना कुछ रीजन है, तो उसको फिर आप उसको दूर करिए। तो ये तो ये ना कबीरदास का दोहा नहीं है, निंदक न्याड़े राखिए आंगन कुटियो।
मम्मी के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं। आज मम्मी बताओ फेवरेट स्टूडेंट कौन है आपका? देखिए फेवरेट तो मेरे सभी हैं, ऐसा नहीं है कि एक नहीं नहीं, ऐसे भी बहुत बच्चे मेरे तो और बहुत अच्छी मेरे मुझे लाइक करते हैं। वैसे तो खैर सभी करते हैं, मेरा कुछ ऐसा नहीं है स्कूल में जो मुझे अनलाइक करता हो। अंदर मैं कह नहीं सकती अंदर क्या है, लेकिन मेरे बच्चे जो है मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरा मन है कि मैं आप लोगों के स्कूल मतलब आपके स्कूल आऊं और आप सबसे मिलूं, मतलब तो आप तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से। तो लोग नहीं बनाते थे ना, लेकिन मैं बच्चों से एक भी बार नहीं मिली। एनुअल फंक्शन में भी आप गई हो इससे पहले, हुआ था पहले, लेकिन जब व्लॉगिंग वगैरह नहीं था तो इतना। अब तो बच्चे बहुत पूछते रहते हैं दीदी को लेकर आई है मैम, दीदी को लेकर। क्यों रो रही थी? मैगी खानी, मैगी खानी थी इसलिए रो रही थी। और क्यों मैगी मना क्यों कर रहे थे सब? गाइस ने चाउमीन खाई थी इसलिए सब लोग इसको मना कर रहे थे कि मैगी मत खाओ, लेकिन फिर ये रोने लगी तो मैं इसको अपने पास ले आई और मैं इसकी मैगी बनाऊंगी। खानी है? हाँ। चलो तो गाइस ज़ैनब आप सब लोगों से एक सवाल पूछने चाहती है। ज़ैनब पूछ लो। ये सवाल का जवाब आपको देना। कौन बताता है ऐसी बातें तुम्हें? YouTube पे बताते सो गाइज रात हो गई है और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, मतलब जो मेरा लास्ट मील है आज का रात वाला वो मैं अब लेने जा रही हूँ और उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि सुबह मेरा शूट है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कर लो। मैं बस इतना चाहती हूँ आप सब लोगों से कि आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप उनको शेयर भी करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिंक लगा दो, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। तो आप मेरे लिए इतना कर दो और मैं आपके लिए अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस और भी आगे लेती आऊँगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।